हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या जो सबसे इंटरनेशनल लॉ का जो है तीसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जो है तीसरा वीडियो की बात की जाए तो यह थ्योरी का जो है तीसरा वीडियो होने वाला है, और तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो है आठवां वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपका जो जैसे आप जो है थ्योरी का जो है पूरा आपका जो है सीरीज चल रही है उसका जो है पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा रही है, उसका यह जो है लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि दो पार्टों में हमने आपका जो है कम से कम 5 यूनिट का सिलेबस कवर करवा चुके थे। ठीक है, तो यह जो है तीसरा जो पार्ट होगा इसमें हम जो है लास्ट का आपका जो जितना आपका सिलेबस बचा हुआ है इसको हम कम्प्लीट करवा देंगे। आप लोग जानते हैं कि जैसे आपका जो है यहाँ पे परिभाषा आपका जो है प्रकृति एवं क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत प्रथा, अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है सामान्य सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये सब आपको हमने करवा चुके थे। आपका बचा क्या था, आपका बचा था राज्य क्षेत्र, इसको हम आज करवाएंगे, क्षेत्राधिकार आपको आज करवाएंगे, और आपका जो है आश्रय आज करवा देंगे, और आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा या जो बचा था इसको भी हम आज कंप्लीट करवा देंगे। तो ये पार्ट का जो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो है पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय विधि का। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अच्छे से, और हम एक बाय एक टॉपिक करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो आपका टॉपिक जो है समुद्र विधि होने वाला है। हम समुद्र विधि में देखेंगे कि हमारा समुद्र विधि जो है किस कैसे जो है इस पर नियम कौन कौन से लागू होते हैं, किसी देश का जो है अगर जो समुद्र विधि का नियम क्या होता है, मान लो दो पड़ोस पड़ोस में देश होते हैं तो उसके लिए समुद्र विधि का नियम क्या होगा, और मान लो दो दूर दूर के देश होते हैं तो उनके लिए समुद्र विधि का नियम क्या होता है। देखिए, अगर जो आप स्थलीय सीमा की देखें बात करें तो स्थलीय सीमा आप लोग जानते हैं कि जैसे आपका जो जमीन हुआ, जैसे आपका कोई या आपका घर हुआ, तो आपका जो घर हुआ तो यह जो किसी जमीन पे होगा ना, तो ये जमीन पे होगा, तो यहाँ पर तो भैया ये आपका जो है एक जमीन पे तो आपका सीमित हो गया, ये आपका जो दीवारें बनी है ये आपका सीमित हो गया कि भैया ये आपका क्षेत्र है। बट अगर जो वही चीज आपका जो है समुद्र में हो, वही चीज आपका नदी में हो, तो कैसे जो है एक सीमा जो है एक कैसे जो है बाउंड्री खींची जाएगी कि जहाँ पे ये डिफाइन करेगा कि भैया ये समुद्र, ये आपका समुद्र है, ये इनका समुद्र है, इतना क्षेत्र इनका है, इतना क्षेत्र इनका है। तो ये चीज डिसाइड करने के लिए एक विधि बनाई गई जिसे अंतरराष्ट्रीय जो है समुद्र विधि कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया ना, ये आपका मान लो घर है, या जो है आपका जमीनी जो है घर है, ठीक है, और इसके आस पड़ोस में आपका ये जैसे मान लो नदी है, इसके बाद फिर जो है एक घर बने हैं, ठीक है, इसके बाद मान लो फिर घर बने हैं, तो ये जो नदी होगी, मान लो नदी में कोई भी चीज निकल रही है, कोई भी चीज आप पा रहे हैं, तो नदी में ये नदी के बीच में जो ये चीजें हुई नदी, तो इसमें आपका जो है ये नदी किसका होगा, इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को बताने के लिए जो है समुद्र विधि का यूज हुआ। यहाँ पर नदी की बात करें, लेकिन जो है यहाँ पर अगर जो आप ये एक ये देश रखें और एक ये देश रखें, तो जो है दोनों देश के जो है अगर जो मध्य नजर रखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो बीच में आप जो है समुद्र की बात करेंगे, क्योंकि दो देशों के बीच जो है नदी की बात जो है बहुत सी छोटी होती है, लेकिन दो देशों के बीच जो है समुद्र की बात अक्सर जो है की जाती है, वो समुद्र होते हैं दो देशों के बीचों में। ठीक है, तो इन समुद्रों के जो है बात की जाएगी। तो फिर आगे देखा जाए कि जो समुद्र विधि की बात तो स्टार्ट हुई कि जो है मान लो ये समुद्र किसका होगा, इसमें अगर जो चीजें निकलती वो क्या होंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, तो इसके लिए मीटिंग जो बुलाई गई वह जो है एक मीटिंग 1974 में जो है बुलाई गई, मतलब देश समुद्र वाले जो देश थे उनके लिए जो है कुछ नियम बनाने थे, क्योंकि कहीं पर ये लोग कह रहे थे, जैसे बात की जाए तो चीन वाले जो है दूसरी जगह पे जाके जो है कब्जा कर रहे थे, अमेरिका वाले वो दूसरी जगह पे जाके कब्जा कर लें किसी समुद्र पे या कहीं जो है किसी पड़ोस के समुद्र में, तो वहां पे दिक्कत हो रही थी। तो क्या हुआ, जैसे आपको अभी एक मैप के माध्यम से हम बताएंगे तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, खुले समुद्र पर विवाद सुलझाने के लिए एक मीटिंग की गई। जैसे आप समुद्र जानते हैं ना, समुद्र को कोई बाउंड्री तो है नहीं कि उसका जो है कोई बाउंड्री करके जो भैया वो अपने कब्जे में ले लेगा, उसकी वो सीमा हो जाएगी, उसमें बाउंड्री तो कर नहीं सकते। वक्त समुद्र जो है खुला होता है, तो खुले समुद्र में जो है को लेकर एक जो है मीटिंग की गई। उसमें बताया कि 1974 में जो है 1974 में जब मीटिंग हुई तो उससे पहले क्या हुआ कि समुद्र चार टाइप के होते थे, मतलब चार सागर को बताया गया था। चार सागर मतलब आप जानते हैं महासागर जो है उसमें चार बताए गए थे। वहां पे कौन कौन से, आपका प्रशांत महासागर था, अटलांटिक महासागर था, हिंद महासागर था, जिसको आप अर्ध महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि जो है इसका क्या है
ये जो आपको यहाँ पे मान लो ये दुनिया है पूरा, मतलब ये जो पृथ्वी है, तो हिंद महासागर क्या है, ये केवल नीचे के पार्ट में है, ये ऊपर के पार्ट में नहीं, ऊपर के पार्ट में जो आपके देश बसे हुए हैं इसलिए इसको अर्ध महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला आपका जो हो गया आर्कटिक महासागर हो गया। तो ये चार महासागर तब थे। उसके बाद क्या हुआ जो है, इसके बाद ये चीज हुई कि इसके बाद प्रशांत अटलांटिक हिंद जो है निचले के जो है, जैसे आपके जो प्रशांत हुआ अटलांटिक हुआ हिंद महासागर हुआ, ये मान लो आपकी धरती है, तो इसके नीचे नीचे ये समुद्र मान लो है, ऊपर मान लो देश है, तो ये तीनों जो है यहाँ पे हिंद हुआ, ये पे मान लो प्रशांत हुआ, ये मान लो अटलांटिक, तो तीनों को जो मिलाकर जो नीचे का पार्ट जो बनता है इसको एक नया समुद्र जो है नया महासागर बना दिया गया, इसको क्या बोला गया, इसको अटलांटिक महासागर बोला गया। ठीक है, इसे दक्षिणी या फिर अटलांटिक महासागर का नाम दिया गया। तो जो है उसके बाद जो है 1974 के बाद पांच महासागर मान लिए गए। ठीक है, पांच महासागर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पांचों महासागर बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ये दक्षिणी भाग जो था यहाँ पे नीचे निचला वाला भाग, तो यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से इसका जो तीनों का जलवायु अलग अलग था। जैसे आप यहाँ पे बात की जाए, अभी आपको बता रहे हैं कि अगर जो बात की जाए, जैसे ये सिंपल सा चीज देखिए, आपका ये मान लो ये घर है, यहाँ पे सिंपल सा ये चीज देखो, ये मान लो आपका प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये तीन, ठीक है, ये आपका जो है तीनों चीज हो गई। तो ये तीनों चीजें जब हो गई तो इन तीनों का जो है नेचर अलग अलग होना चाहिए ना, यहाँ पे तीनों का नेचर ये अलग अलग होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इसका नेचर इससे अलग है, इसका नेचर इससे अलग है, तीनों का अलग है, लेकिन क्या हुआ, ये जो निचला भाग था, निचला भाग का जो है इसका नेचर अलग था, इसका नेचर अलग था, इसका नेचर अलग था, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा ठंडा प्रदेश था, यहाँ की मछलियां वगैरह जो थे, यहाँ पे जो जीव जंतु थे, कि इसके नेचर में काफी डिफरेंस था। तो क्या किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय विधि आप लोग जानते हैं, समुद्र ISA होता है, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, इन तीनों ने इसे जो है आपने जो आपका ये जो ग्रुप होता है, ये जो आपकी जो है काम करते हैं अथॉरिटी जो होती है, ये जो है 1974 के बाद क्या हुआ, इन तीनों में से जो है थोड़ा थोड़ा समुद्र कट करके, महासागर का समुद्र कट करके यहाँ पे क्या कर दिया, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर का निर्माण कर दिया गया। तब से आपके जो है पांच महासागर हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि 1982 में लाप्सी बना। ठीक है, मतलब लाप्सी का मतलब इसे समुद्र विधि बनाया गया, कब, 1982 में, इसे 1994 में लागू भी किया गया, 1982 में बनाया गया, 1994 में लागू किया गया। अब जैसे बात की जाए, तो जैसे आप लोग स्थलीय सीमा पर चलते हैं, जैसे रोड पर चलते हैं, जहाँ पे जमीन है वहाँ पे चलते हैं, तो उसके लिए जो है चलने के लिए या फिर मापने के लिए सीमा दूसरी होती है, किलोमीटर में आप नापते हैं, घंटे में नापते हैं, लेकिन जो है जब समुद्र में हम नापने की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है सीमा दूसरी होती है, वहाँ पे दूसरी तरह से नापा जाता है। तो वहाँ पे जब नापा जाता है तो क्या कहते हैं, वहाँ पे आप किलोमीटर में ना नाप के वहाँ पे नॉटिकल मील में नापा जाता है, समुद्र में आप जो है नॉटिकल मील में नापते हैं। ठीक है, तो एक नॉटिकल मील जो आपका होता है वो आपका 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप चीज समझें। और वहाँ पे जो गहराई नापी जाती है वह फेदम में नापी जाती है, फेदम में। ठीक है, और एक फेदम जो होती है वह 6 फीट के बराबर होती है, इससे आप समुद्र की गहराई नापते हैं। तो ये चीज आपकी हो गई। तीसरा आपका जो है वहां पे, जैसे आप कहते हैं ना कि गाड़ी आपकी जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, हवा आपकी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो वहां पे प्रति घंटा ना चलकर वहां पे हवा वगैरह जो समुद्र में नापा जाता है या फिर जो है हवाई जहाजों में जो नापा जाता है वहां पे हवा वगैरह, तो उसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ना नाप कर वहां पे नॉट में नापा जाता है या फिर नॉटिकल पर मील में नापा जाता है। ठीक है, वहां पे मील प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक नॉट क्या होता है 0.5 मीटर मील आपका प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना अगला आपका जो हो जाएगा। ठीक है, तो समुद्र आपके पांच टाइप के हो गए, वो आप लोग जान गए। अभी आप उसको इसको अगला अगर जो हम आपको मैप के माध्यम से बताएंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी कि आपका जो समुद्र पांच टाइप का होता है, जैसे ये समुद्र तो आपका जो हो गया पांच समुद्र हो गए, महासागर पांच हो गए, लेकिन समुद्र के भी पांच टाइप होते हैं, उसकी सीमा जो है कैसे लगती है, उसके क्या होती है, ये चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप समझिए। ठीक है, और अच्छे से अपना जो है यहाँ पे अगर पूरा अटेंशन करेंगे तो आपको जरूर में समझ आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका जो है एक हमने नक्शा बनाने की कोशिश की है, हालांकि इतना पेंटिंग और मतलब जो है नक्शा इतना अच्छे से हमसे बनता नहीं है। ये मान लीजिए आपका इंडिया है, ठीक है, इधर आपका चाइना है, इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका लद्दाख वगैरह, ठीक है, इधर आपका जो छोटा सा नेपाल है।
तो आप लोग ये भी सब चीज जानते हैं, इधर भी आपका जो है चीजें हैं गुजरात वगैरह है। इधर फिर आप आइए, यहाँ आप लोग जानते हैं सबसे निचले भाग में यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये सब पूरा जो है पार्ट जो है ये सब समुद्र से घिरा हुआ है, ये सब पूरा पार्ट समुद्र से घिरा हुआ है। यहीं पे कोने में आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पे मान लो आपका श्रीलंका है, ठीक है इसको छोड़िए। तो सबसे पहले जो हमारा समुद्र नापा जाता है, जो इसका जो है विस्तार होता है, यहीं पे अगर जो देखा जाए तो अभी आपको हमने बताया ना कि जैसे आपका जो जमीनी क्षेत्र होता है उसकी तो भैया आप सीमा तय कर देते हैं, लेकिन समुद्र में सीमा तय करने के लिए कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या हैं, और जैसे जमीनी क्षेत्र में आप अपनी बाउंड्री कर सकते हैं, वैसे समुद्री क्षेत्र में अपनी बाउंड्री नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए नियम होते हैं। तो नियम हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई भी चीज है बता दिया गया, जैसे ये आपको मान लो भारत है, सिंपल सा चीज है, ये मान लो भारत है आपका, और बोला गया अंतरराष्ट्रीय विधि आपके बोल रही है, वहां पे ISA आपको बोल रहा है कि यहाँ से 200 200 मील तक आपका जो है मान लो समुद्र है, 200 मील आपका मान लो यहाँ हो गया, तो 200 मील तक आपका इस पे कब्जा रहेगा समुद्र ने। ये मतलब ISA ने ये बोल दिया कि 200 मील तक आपका कब्जा रहेगा। तो वहां पे रेखा तो बनाने जाएंगे नहीं, और ऐसा भी तो नहीं है कि वहां पे भैया जो अपना भारत है तो बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम ऐसे आपका जो है ऐसे है, ऐसा भी तो नहीं है ना, जो यहाँ से आप डायरेक्ट नाप लेंगे। या फिर मान लो भारत हुआ अदर देश ऐसा नहीं हुआ तो वहां पे क्या होता है। तो सबसे पहले देखो आप जानते हैं कि ऐसे आपका भारत है, तो ये जो लाइनें होती हैं ये बाउंड्री ये तिरछा तिरछा होती हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले एक जो है एक सीधी मतलब कंटिन्यूस रेखा को खींचा जाता है, कंटिन्यूस रेखा या परिकल्पना की जाती है, या फिर ये असलियत में नहीं लाइनें जो वहां पे आप सोचे कि वहां पे दीवार बनाने चल दिए, वो दीवार बनाना नहीं है आपको वहां पे, केवल जो है वहां पे परिकल्पना की जाती है, इमेजिनरी लाइन जो है इसको बोला जाता है, इसको यहाँ पे खींचा जाता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है इसके बाद से जो है कोई भी चीजें हैं वो नापी जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको जो है मान लो अपनी सीमा हुई, स्थलीय सीमा हो गई, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये आपकी जो है एक पर जो है इमेजिनरी लाइन खींच दी गई। तो इमेजिनरी लाइन इसलिए खींची जाती है कि भैया अपने बाउंड्री जो है ये तिरछा पिरछा ना हो, इसको सीधे से जो है एक अच्छे वे में खींच लिया जाता है। तो ये जो आपकी बाउंड्री होती है और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसके बीच में कुछ समुद्र होता ना, कुछ जो आपका पानी होगा ना, तो ये जो पानी यहाँ पे होता है, ये जो समुद्र होता है, इसको आपको आंतरिक समुद्र कहते हैं या फिर इंटरनल सी कहते हैं। आपका ये टाइप हो गया इंटरनल सी, आपका एक ये हो गया, दूसरा आपका जो है टाइप हो जाएगा। हाँ, और इससे एक चीज बात और है, ये जो आपकी रेखा होती है इसको आप बेस लाइन कहते हैं या फिर आधार रेखा कहते हैं। इसका उद्देश्य सिंपल सा आपको बताया ना कि कंटिन्यूस लाइन प्रदान करना होता है, ठीक है। ये वाला पानी आपका जो नीला वाला है ये आपका इंटरनल समुद्र हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो दूसरा समुद्र आता है ये आपका टेरिटोरियल समुद्र कहलाता है। टेरिटोरियल समुद्र आपका कहाँ से होता है, और एक चीज यहाँ पे जो भी आपका जो है कोई भी नपाई होगी समुद्र के लिए या फिर कहीं पे किसी देश के लिए, तो आपकी जो नपाई होगी वो आपका जो है बेस लाइन से मानी जाती है, ना कि वहां के बाउंड्री लाइन से, बेस लाइन से आपकी नपाई होगी, ठीक है। इसके बाद बेस लाइन से आपका 12 किलोमीटर 12 मील तक होता है, बेस लाइन से 12 मील तक आपका टेरिटोरियल सी होता है, टेरिटोरियल सी होगा, ठीक है। तो टेरिटोरियल सी होगा तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है आपका जैसे ये भारत हुआ, भारत के 12 ये आपका भारत हुआ, भारत के 12 मील तक जो है आप लोग जानते हैं कि आपका जो है ये भारत की सीमा लगती है। अगर जो यहाँ पे कोई भी देश वाला, कोई भी अदर देश वाला नाव है या फिर अपना जहाज है या फिर जो है कोई सेना है यहाँ पर अगर जो एंट्री ले लेती है, तो भारत वाले जो है उसको गोली बारूद से करके मिसाइल से करके उड़ा सकते हैं, कोई भी जो है पूछना पाछने की कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे आप वहां से उड़ा सकते हैं, इस पे आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। और अगला आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो आक्रमण हो जाएगा, और यहाँ पर सारी ड्यूटी जो है यहाँ पर पहली बात तुमको कोई अदर देश वाले को एंट्री ही नहीं दी जाती है, यहाँ पर किसी देश को आना ही नहीं होता है, आना होगा तो पहले परमिशन लेना होता है, अगर जो परमिशन लेके नहीं आ रहा है तो उसको उड़ा दिया जाएगा बिना कोई जो है सूचना के, बिना कोई जो है आधार के, ठीक है, डायरेक्ट उसको उड़ा दिया जाएगा। अगला आपका जो यहाँ पे जो अगली आप जो सीमा आ जाएगी ये आपकी जो उसके बाद जो है ये 12 मीटर 12 माइल हो जाएगा, 12 माइल ये होगा, तो यहाँ से या इसका जो है 24 माइल पे एक सीमा आपकी जो होती है, जो 24 माइल आपकी सीमा होगी इसको आप क्या बोलते हैं, ये वाला जो समुद्र हो जाएगा इसको आप जो है क्या बोलते हैं, इसको आप जो है आपका दूसरा समुद्र बोलते हैं, उसका नाम है इसको कांटिगस आपका जो है समुद्र बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको कांटिगस सी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आपका जो हो गया,
इसके आगे हम इसमें, और हाँ इसमें एक बात और भी होती है, इसमें अगर जो कोई भी जो है दूसरा देश जो है अगर जो एंट्री कर लेता है तो उसके ऊपर जो है आप हमला नहीं करेंगे। हाँ लेकिन यहाँ पे मान लो दूसरे देश का जो है जहाज आ जाता है यहाँ पे, तो जो है इसको जो है सीमा शुल्क देना होता है किसे, भारत वाले को या फिर जो है इसके पड़ोस का जो मतलब ये जिसकी जो है बाउंड्री होगी या फिर ये जिसकी सीमा होगी उस देश को यहाँ पे आपको सीमा शुल्क देना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर जो मान लो कोई भी जहाज आ जाता है तो उस पर जो है ये देश वाला जो है इस पर आक्रमण नहीं करेगा। अगला आपका जो यहाँ पे आ जाता है वो आपका जो है 200 नॉट का आता है, मतलब जो 200 मील का यहाँ पे आपकी एक सीमा आती है। ये जो 200 मील की सीमा आती है ये बाउंड्री लाइन से या मतलब आपका यहाँ पे बेस लाइन से देखा जाता है। तो बेस लाइन से आप जानते हैं यहाँ पे 200 मील जो है काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो भैया आपका सही, उधर मतलब जो है सब कुछ अगर जो जैसे आपका हुआ एंट्री शुल्क वगैरह लेते हैं, सीमा शुल्क वगैरह ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले जो क्षेत्र में जो आप आ जाएंगे तो यहाँ पे जो कोई भी चाहे देश वाला आए, कोई भी जो है सैनिक आए, कोई भी जो है नाविक आए या फिर कुछ भी यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको सीमा शुल्क नहीं ले सकते। हाँ लेकिन यहाँ पे आकर जो है कोई दूसरा देश वाला, जिस देश का ये सीमा है उस देश की सीमा के अंदर कोई दूसरा देश वाला यहाँ पर आपका जो है इसको इकोनॉमिक रूप से जो है कमजोर नहीं कर सकता। मतलब इकोनॉमिक रूप से कमजोर करने का मतलब है इसको जो है, पहली बात इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, मतलब तो यहाँ पे इसके अंदर का मतलब ये जो आपका क्षेत्र हो गया ना 200 मील, तो इसके अंदर जितना भी जो कुछ होगा इस पे जो है आपका जो है इस जो उसका पड़ोसी देश होगा, मतलब जो है जिसके मतलब ये सीमा जिसकी होगी, तो ये सीमा मान लो इस समय जो है भारत की मान लो है, तो ये भारत के जो है इस क्षेत्र के अंदर का जितना भी हिस्सा जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा सब कुछ भारत का होगा। यहाँ पर आपका चाहे तेल निकले, चाहे यहाँ पर आपका खनिज निकले, चाहे यहाँ पर अगर जो मछली निकले, ठीक है, या फिर मछली मारना हो, तो यहाँ पर जो है सारे कुछ जिम्मेदारी जो है इस देश की रहेगी जो वहाँ से या जिसकी जो है ये बाउंड्री रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमी से सारे रिलेटेड काम जो है वो पहले वाले देश करेगा, मतलब ये जिसकी यह बाउंड्री होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है 200 नॉटिकल के बाद, उसके बाद आपका है ओपन सी, या इसको जो है हाई सी बोलते हैं, इसके बाद का क्षेत्र आपका हाई सी बोलता है। यहाँ पर जो है जब आते हैं यहाँ पर जो है किसी का भी कब्जा नहीं होता है, यहाँ पर मछली मारना वगैरह भी जो है ये सब चीज़ों का देखा जाए तो खुले का होता, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ें हैं वो सभी की हैं, तो यहाँ पे जो है ओपन सी होता है, यहाँ पे जो है कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको पहले परमिशन लेना होता। परमिशन कहाँ से लेगा, ISA से, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी से। मान लो यहाँ पे आपको कोई खनिज निकला, तो यहाँ पे अगर जो खनिज निकला तो सबसे पहले देखा जाए तो ऐसे खनिज तो पूरा पृथ्वी वाले तो लेने नहीं आ जाएंगे, कि जैसे मान लो ये इंडिया के नज़दीक में है और आपका श्रीलंका के नज़दीक में है, तो आपके वहाँ से रूस वाले थोड़ा ना लेने आएंगे, तो ये मुद्दा जाएगा कहाँ पे, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी में। वहाँ पे ये लोग जांच करेंगे कि ये भैया सबसे पहले खोजा किसने है या किसके करीब में है या फिर क्या है। मान लो यहाँ पे जो है इंडिया है, यहाँ पे मान लो आपका श्रीलंका है, तो दोनों के पड़ोस में है, तो क्या करेंगे, दोनों को आधा आधा डिवाइड कर देंगे। ये कौन डिवाइड करेगा, ये इंटरनेशनल सी अथॉरिटी करेगा। और यहीं पे अगर जो 200 ये आपका हो गया, तो यहीं पे अगर जो बात की जाए तो जैसे आपका निकोबार हुआ या फिर आपका जो है अंडमान निकोबार जो कहते हैं ना, तो निकोबार का हुआ, तो इसी तरह से उसकी भी जो 200 नॉटिकल मील तक जो है सीमा को देखा जाता है। और यहाँ पे मान लो इसके अंदर जो है, इसके अंदर की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ पे अगर जो कोई द्वीप निकल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो सब कुछ जो है वो चीज़ किसकी होगी, वो आपका जो है इस देश की होगी जो उसकी जिसकी यह सीमा होती है। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे मान लो कोई द्वीप निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो है वो पहले मुद्दा ISA में जाता है, उसके बाद कोई भी यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। और यहीं पे अगर जो श्रीलंका की बात की जाए, जैसे अब देखा जाए ना तो इंडिया और श्रीलंका जो है की दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अगर जो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर जो इंडिया कहने लगा कि भैया हमको 200 मील तक अपना जो 200 नॉट तक जो है अपनी दूरी चाहिए, अपनी सीमा चाहिए, तो श्रीलंका आपका जो मोहल्ले में है आपके, तो ये तो इसके अंदर चला जाएगा ना, तो श्रीलंका भी आपका इंडिया का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नियम अपवाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो इतनी दूरी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो आधी दूरी जो है इंडिया को दे दी जाएगी और आधी दूरी आपको श्रीलंका को दे दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर नियम नहीं होगा कि 200 मील तक आपको जो है 200 नॉट तक जो है आपको सीमा पर कब्जा करना दिया जाए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। और यहाँ पर अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर बस आपका जो है इसमें इतना ही रहेगा, ठीक है। और अगला आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे समुद्र विधि आपका समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। और एक चीज और भी देखी जाए
कि जैसे यहाँ पे 200 आपका नॉटिकल मील किया गया ना, तो ऐसे भी आकाश में भी बात की जाती है आपका जो है, जो वायुमंडल होती है वहां पे बात की जाती है, तो वहां पर भी जो है आपका जो है एक क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें भी जो है आपको जो है चाहे जितना ऊपर नहीं होता लेकिन हाँ एक लिमिट तक जो है आपका क्षेत्र रहता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो कह दो कि भैया इंडिया के ऊपर जो है चंद्रमा है तो चंद्रमा भी हमारा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर जो है एक लिमिट होती है क्षेत्र पे, तो ऊपर भी एक लिमिट होती है, तो वहां पे जैसे आपके प्लेन वगैरह उड़ते हैं तो वहां पर भी अगर जो मान लो कोई अदर देश वाला जो है आपके इंडिया में जैसे प्लेन, जैसे मान लो कोई प्लेन उड़ा मान लो पाकिस्तान से उड़ा और उसको जो है श्रीलंका जाना है, तो बाई द रास्ता वो जो है अगर जो रास्ता फॉलो किया मान लो इंडिया के ऊपर से जा रहा है, तो इंडिया को जो है पाकिस्तान वाले क्या करेंगे जो है चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो प्रदूषण वगैरह भी छोड़ के जाते हैं और उनके जो है बाउंड्री के अंदर से होके जाते हैं, तो इसलिए वहां पे चार्ज देना पड़ता है। वैसे ये जो चार्ज देना पड़ता है इसको अभी आपको बताते हैं, ये एक दूसरे से समझौता होता है, तभी जो है एक दूसरे की बाउंड्री में इंटर कर सकते हैं वरना वो नहीं कर सकते इंटर, ठीक है। तो ये आपका समुद्र भी यहाँ पे समाप्त हुआ, अगला पॉइंट बात करते हैं। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं, जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन हैं इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है, और दूसरी चीज आपका जो है आप क्वेश्चन को कैसे जो मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं, तो आपकी जो पीडीएफ लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 के लगभग 1900 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है, मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है अगर जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है, तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 54 55 36 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करते करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं, आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ पे के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्षेत्र की, राज्य क्षेत्र आपका क्या होता है, राज्य क्षेत्र आप लोग जानते हैं जैसे अपने घर की बाउंड्री को राज्य क्षेत्र कहते हैं, मतलब अभी आपको बता रहे हैं राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो राज्य क्षेत्र आपको समझाने के लिए आपको एक बेहतर एग्जाम्पल ये रहा कि जैसे देखो ये आपका एक गांव हुआ, ये आपका एक शहर हुआ, ठीक है, मान लो ये आपका एक शहर है या फिर एक आपका मोहल्ला है, तो मोहल्ले में क्या होगा ये आपके घर हो जाएंगे, ये आपके घर हो गए। तो ये जो क्षेत्र है
ये आपका मान लो घर है। तो ये जो क्षेत्र हुआ ये एक घर क्षेत्र हो गया। क्या हुआ? घर क्षेत्र मतलब इसकी एक बाउंड्री होगी ना, एक लिमिट होगी, तो ये घर क्षेत्र हो जाएगा। ये जो पूरा मोहल्ला है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो सीमा है, ये क्या हो जाएगा? आपका मोहल्ला क्षेत्र हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये मान लो आपका ऐसे कुछ है। ये मान लो आपका इंडिया हुआ, सॉरी नक्शा नहीं है, फिर से बताते हैं आपको। मान लो ये आपका भारत हुआ, ये आपका भारत हुआ। तो भारतीय जो देश आपका हुआ, तो ये भारत देश हुआ ना, तो ये भारत एक राज्य है, आप लोग जानते हैं। तो ये क्या हुआ? इसके जो बाउंड्रीज की जो होती है, ये आपका एक राज्य है, तो यह क्या हो गया? राज्य क्षेत्र हो गया। ठीक है, आपको राज्य क्षेत्र अब समझ में आ गया होगा, राज्य क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पे बात करेंगे कि अपने देश या क्षेत्र जहां उसका अधिकार होता है या फिर जहां उसका कब्जा होता है। ठीक है, तो घर में आपका कब्जा होगा, मोहल्ले में आपके जो है परिषद का कब्जा होगा, और देश में आपके जो है वहां पे सेना और आपके प्रधानमंत्री वगैरह का कब्जा होगा। ठीक है, आपके देश का कब्जा होगा, तो वही चीज जहां पे उसका अधिकार होता है या फिर उसका कब्जा होता है, तो वह राज्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, और यहीं पे अगर जो बात की जाए तो यूएन चार्टर जो है उसमें आर्टिकल के 2D में बताया गया है। इसकी परिभाषा, कौन वाली परिभाषा? की परिभाषा बताई गई है ये वाली, अपने क्षेत्र या देश में जो जहां तक उसका अधिकार होता है, वह जो है या कब्जा होता है, तो वह राज्य क्षेत्र कहलाएगा। ऐसा जो है आर्टिकल 2D में बताया गया है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे जो अधिकारिता और राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र आप लोग जानेंगे, जैसे आपकी एक सीमा हो गई, तो आपकी सीमा जो हो गई, तो वहां पे कहाँ कहाँ पे आपको जो है अधिकार होता है। जैसे आपका घर हुआ ना, तो आपके घर में जो है कौन कौन सी ऐसी जगह होती है जहां जहां पे आपका जो अधिकार होता है। आपका मोहल्ला है, तो वहां पे परिषद वालों की ऐसी ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे उनका अधिकार होता है। मोहल्ले में बात की जाए, जैसे उनका रोड हुआ, आपका जो है यहाँ पे नाली हुआ, जो है पानी वाला पानी हुआ, और बात की जाए तो वहां पे कूड़े वाली व्यवस्था की जाए, तो वहां पर भी उनका अधिकार होता। तो इसी तरह से जो है, जैसे एक राज्य क्षेत्र होता है, तो वहां पे राज्य क्षेत्र में मतलब देश का कितना अधिकार होता है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड टेरिटरी की, मतलब भू राज्य क्षेत्र। आपका जमीनी क्षेत्र होता है, उसका कितना होता है? तो भू राज्य क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि 2 तरीके से आप जो है सीमा बना सकते हैं। 2 तरीका से सीमा कैसे बना सकते हैं? देखो, पहले आपका पहाड़ वगैरह हो गया, नदी नाले हो गए, ये जो है एक सीमा होती है। और दूसरी सीमा होती है, अपन नाली बनवा दिए, या फिर जो है दीवार खड़ी करवा दिए, या फिर खंभा लगवा दिए, या फिर जो है कोई मूरत बनवा दिए, मतलब कोई ऐसा चीज है जो कृत्रिम रूप से बनाया गया हो ना, तो वो जो है एक सीमा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपकी प्राकृतिक सीमा में आपका पहाड़, नदी, आपका जंगल, ये सब चीजें आ जाती हैं, और कृत्रिम क्षेत्र में आपका दीवार, खंभा, स्तंभ वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपका लैंड टेरिटरी हो गया, मतलब आपके भू राज्य क्षेत्र हो गया। आपका जमीनी क्षेत्र कहाँ तक होता है, ये चीज इसमें बताया गया है। दूसरा आपका जो है नेशन वाटर्स बताया गया है, कि आपके राष्ट्रीय जल क्षेत्र कहाँ कहाँ होंगे, क्या क्या होंगे। तो देश के अंदर देखा जाए तो सभी साधन जो जल से जो रिलेटेड होते हैं, जल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वहां पर जो है राष्ट्रीय जल हो जाएगा, आपके देश के अंदर का जल राष्ट्रीय जल हो जाएगा। ठीक है, उसी के क्रम में अगर जो आगे बढ़ते चले, तो इसमें देखा जाए तो 2-3 चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। वो नहरें आपकी आती हैं, कुछ नहरें जो है एक देश में होती हैं, कुछ नहरें जो है कई देशों को मिलाकर बनती हैं। तो जैसे मान लो अपने यहाँ से कोई नहर बनी और इंडिया में बनी, उसके बाद वो वहां पे जा रही, मान लो पाकिस्तान जा रही, उसके बाद मान लो अफगानिस्तान जा रही, तो वो जो एक जो है क्षेत्र की बात ना हुई, ना फिर वो एक राज्य की बात हुई, वो तो अंतरराष्ट्रीय हो गई ना। इसी तरह से कुछ नहरें जो है महत्वपूर्ण है, जैसे आपका एक स्वेज नहर जो है महत्वपूर्ण है। इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये सबसे पहले देखी जाए, बात की जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय की सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर कौन है? स्वेज नहर है। दूसरी बात इसमें की जाए, 1954 में ब्रिटेन और मिस्र के बीच समझौता हुआ। ठीक है, फिर 1956 में मिस्र ने इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, किसने राष्ट्रीयकरण किया, कब? 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके बाद पहले ये जो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उसके पहले जो है यह जो है आपके जो है फ्रांसीसी कंपनी के पास थी। उसके बाद जो है इस समय जो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, तो यह ब्रिटिश आधार क्षेत्र में है। पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था, अब ब्रिटिश का कब्जा है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगला आपका पॉइंट है पनामा नहर। पनामा नहर क्या है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को ये मिलाती है। ठीक है, और दूसरा आपका पॉइंट यहाँ पे, या व्यापार करने एवं यातायात करने के लिए जो है इसको बनाया गया था।
पनामा जो है एक आपका देश है वो जो है इस पे नियंत्रण रखता है, क्योंकि यह पनामा क्षेत्र के अंदर है या पनामा में बनी हुई है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि यदि इस पर अमेरिका भी चाहे तो वह नियंत्रण कर सकता है, ऐसे जो है पनामा और अमेरिका के बीच में संधि हो रखी है, लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि भैया कब आप जो है अमेरिका इस पर नियंत्रण करेगा, ठीक है, ऐसी संधि हुई है अमेरिका और पनामा के बीच में। अगला आपका यहाँ पे जो नहर आ जाएगी वो आपकी कील नहर है। कील नहर क्या है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, ये आपकी जो नहर है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री की नहर है ये, जर्मनी ने इसकी स्थापना की थी और उसका अभी तक जो है इस पे नियंत्रण है। ये चीजें आपकी राज्य क्षेत्र के जो है पॉइंट में देखी जाए तो यहाँ पे राष्ट्रीय जल में हो जाएगा। अगला का पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा एयर स्पेस। एयर स्पेस की बात की जाए तो आपका जो है वहाँ पे वायुयान वगैरह की इसमें बात की जाती है, तो हर एक चीज की लिमिट होती है, तो उसी तरह से जो है ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई में भी एक लिमिट होती है, तो आपके जो है देश में अगर जो कोई विमान वगैरह बाहर देश से आता है तो उसका जो है सीमा शुल्क ली जाती है, और जो है आपका और जिस देश से वहाँ पे विमान आ रहा है तो आप दोनों का एक समझौता होता है, एक समझौते के तहत जो है विमानों का आवागमन होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें एयर स्पेस के लिए होती हैं। और विमानों का आवागमन देखते जैसे आपके जो है डेली की फ्लाइटें जो है हजारों फ्लाइटें एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, तो डेली की फ्लाइटें एक से जो है हजारों फ्लाइटें जाती हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि या तो वो जो है शुल्क दें वहाँ पे, या फिर क्या करें, या फिर दोनों देश वाले जो है मिलकर समझौता कर लें, तो उन दोनों के बीच में समझौता होता है, ठीक है, तो वहां पे आपका एयर स्पेस हो जाएगा। एयर स्पेस को लेकर जो है दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई, जैसे आपका एक पेरिस कन्वेंशन हुआ, एक शिकागो सिविल एविएशन हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पेरिस कन्वेंशन में यह बताया गया कि अपने क्षेत्र के वायुमंडल पर पूर्ण अधिकारिता रहेगी, या 1919 में हुआ था, मतलब जो आपके इंडिया है, इंडिया के ऊपर जो आपका जो है समुद्र सीमा है 20 जो है नॉटिकल, ठीक है 200 नॉटिकल, तो 200 नॉटिकल के ऊपर का जितना क्षेत्र होता है उस पर आपका जो है उस देश का कब्जा होगा जिस देश का जमीनी कब्जा होगा, मतलब यहाँ पे अगर जो भारत का एग्जांपल लेकर बात की जाए तो यहाँ पे भारत का जो है कब्जा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज जो है पेरिस कन्वेंशन में बताया गया था, ठीक है। अगला आपका जो यहाँ पे एक जो कन्वेंशन हुआ तो 1944 में होता है, लेकिन ये जो है कहाँ पे हुआ, ये शिकागो में आपको हुआ था, इसमें भी यही बताया गया कि अपने क्षेत्र के वायुमंडल पर पूर्ण संप्रभुता होगी, मतलब आपका पूर्ण अधिकार होता है अपने क्षेत्र के वायुमंडल पर। इसमें समुद्र एवं वायु विमान के लिए दोनों चीजें बताई गई थी, चाहे आप उसका समुद्र में हो जितने आपका एरिया होता है, चाहे आपका जो वायु में हो तो वहां पे जितना आपका एरिया होता है वहां पे आपका अधिकार होगा। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, इसे नागरिक पर लागू किया जाता है बल्कि सेना वगैरह पे लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये चीजें सेना पे लागू नहीं होती, मतलब यह कमर्शियल यूज के लिए होता है, जैसे आपका सामान वगैरह आता है या फिर आपका जो है कोई व्यक्ति वगैरह जाते हैं, आते आना जाना आपका आवागमन होता है ना एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश को। अब देखें सामान की बात की जाए तो अपने यहाँ का जो गैस जो है वो अदर देशों में जाती है, और बात की जाए तो जैसे अभी गूगल वगैरह है या फिर यूट्यूब वगैरह है, तो वहां से बहुत से आइटम जो है इंडिया में आते हैं, तो ये कमर्शियल चीज हो गई ना, तो यहाँ पे जो है ये कमर्शियल चीजों पे लागू होता है ये नियम, बल्कि किसी जो है सैनिक वगैरह पे ये नियम लागू नहीं होता है। अगला आपका पॉइंट वायु का, जैसे आप लोग जानते हैं फ्लाइट का आदान प्रदान एक दूसरे से देश से आना जाना होता है, उसके लिए ये चीजें हुई थी। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि सब सॉइल पॉइंट, मतलब आपके जमीन के अंदर जो है आपका कितना क्षेत्र रहेगा, तो अभी आपको बताया ना आपकी जो है जैसे 200 नॉटिकल मील तक जो है आपकी सीमा होती है, एक जो आपका क्षेत्रीय सीमा होती है, या फिर आपकी बात की जाए जो एक जमीनी क्षेत्र होता है, जमीनी आपका मतलब आपका जो है पृथ्वी से लगाव जितना होता है, जितनी आपकी पृथ्वी होती है, अगर समुद्र आपके आस पास है तो 200 मील आपका जो है 200 नॉटिकल मील आपका वो हो जाएगा समुद्री सीमा हो जाएगी। उसके नीचे जितना भी आपका जो है आइटम मिलता है, खनिज वगैरह मिलता है, या फिर आपके जमीन के अंदर सोना वगैरह खजाने मिलती हैं, तो वहां पर सारी जो है अधिकारिता उस देश की होती है जहां पे वो सीमा जिस देश की लगती है, ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो जाएगी। अगला आपका यहाँ पे जो है ये पॉइंट आपका समाप्त हुआ, कौन सा आपका राज्य क्षेत्र यहाँ पे पॉइंट समाप्त होता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आपका क्या होता है, तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे एक राज्य का या फिर राज्य क्षेत्र का अधिकार राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है अब वो राज्य के अंतर्गत कुछ भी चीजें हो सकती है, जैसे राज्य के अंतर्गत क्या होगा आपका जो है, जैसे यहाँ पे
बात की जाए राज्य के अंदर आपका नदी हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, या फिर राज्य के अंदर मतलब आपकी सीमा के अंदर कुछ भी हो जाएगा, तो उस पे जो है अधिकारिता राज्य की हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका व्यक्ति हो गया, या फिर वस्तु हो गया, या फिर सिविल या दांडिक अधिकारिता हो गई। उसके बाद बात की जाए, किसी भी क्षेत्र का कब्जा प्रभुत्व संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जैसे आपके घर पे आपका कब्जा है, तो इसका क्या माना जाए भाई, उस घर के आप जो है प्रभुत्व संपन्न है, मतलब सब कुछ आपका ही है। ठीक है, तो वो चीजें प्रभुत्व संपन्न का जो है प्रतीक माना जाता है। अगला आपका पॉइंट, इसका विस्तार जो है आप लोग जानते हैं कि जैसा कि राज्य क्षेत्रीय समुद्र भू राज्य क्षेत्र, या फिर जो है आपका जो है जमीनी हुआ। ठीक है, उसके बाद वायु की बात की जाए तो वायु में आपका जो हो जाएगा, या फिर जो है उसके बाद अगर जो बात की जाए तो सीमा की बात की जाए तो वहाँ पे सीमा पर भी आपका विस्तार इसका होता है। अगला आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा 1949 में तैयार किया गया था। ठीक है, राज्य के अधिकारों एवं कर्तव्य प्रारूप घोषणा में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य को अपने ऊपर या फिर उसमें स्थित सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के ऊपर अधिकारिता के प्रयोग का आधार है। 1949 में बताया गया कि भैया आपके अंदर जो है, आपके देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं या फिर और भी चीजें हैं, तो उनके ऊपर आप जो है आपका अधिकार होता है, उस व्यक्ति वस्तु पे जो है आपका अधिकार होता है, उस पे आप जो है अपने नियम कानून लगा सकते हैं। यह सिद्धांत उस अधिकारिता का बेस्ड है जो राज्य क्षेत्र को राज्य की अवधारणा के संघटक तत्व के रूप में मान्यता देता है। इसे एरिया थ्योरी या फिर क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब अपने क्षेत्र के अंदर जो है अपना जो है अच्छे से कब्जा कर पाना, अपना अच्छे से व्यवस्था चालू कर पाना, यह जो है आपका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, या फिर राज्य क्षेत्र सिद्धांत या फिर थ्योरी हो जाएगी। अगला आपका पॉइंट है, राज्य क्षेत्र की जो है सीमा कहाँ तक होती है। तो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के नियम पर कतिपय सीमाओं अधिरोपित किया गया है, जो कुछ संधि एवं रूढ़ से जिनका विकास हुआ है। तो सीमा की बात की जाए तो भैया कुछ चीजें हैं जो सीमाओं अधिरोपित की गई हैं, जो कुछ संधि और रूढ़ से जिनका विकास हुआ था। तो यहाँ पे विकास की बात की जाए तो विकास आप लोग जानते हैं, जैसे पहले जो रूढ़िया की बात की जाए तो रूढ़ी आप लोग जानते हैं ना, रूढ़ी कैसे बनेगी, पहले आपकी प्रथा होगी, प्रथा से रूढ़ बनता है, तो उसी के द्वारा जो है इसका विकास हुआ था। अगला आपकी चीजें देखे जाए, इसलिए इन सीमाओं को अनन्य राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के नियम का अपवाद भी कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है। इसमें बहुत से अपवाद होते हैं, जैसे अपने राज्य के अंदर जो है, मान लो अभी यहाँ पे चीजें बता रहे हैं, मान लो यहाँ से आप गए पाकिस्तान, पाकिस्तान में है इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ के पाकिस्तान के जो वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहेंगे, भैया ये पाकिस्तान मेरा है, हमारे जो बाउंड्री के अंदर हैं तो उसके अंदर जो बाउंड्री के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उसके ऊपर हमारा अधिकार चलेगा, हमारे नियम कानून चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, इधर मोदी जी अपना जो है एम्बेसी वाले बंदे को वहाँ पे पाकिस्तान में भेज दिया, बोला कि आप भैया जो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी जाओ, वहाँ पे अपने जो है चीज़ें अपने मन का करो, वहाँ पे सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। तो पाकिस्तान को देखो, नियम के कारण तो ये होना चाहिए ना कि वहाँ पे एम्बेसी तो पाकिस्तान का अधिकार होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान का एम्बेसी पे पाकिस्तान का अधिकार नहीं होगा, वहाँ पे किसका अधिकार होगा, इंडिया का, क्योंकि ये एक दूसरे से समझौता के थ्रू ये होता है। तो वहाँ पे जब इंडिया का अधिकार हुआ तो ये क्या हो गया, ये नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपवाद हो जाएगा। इसी तरह से अब इसमें हम समझाते हैं कि इसमें क्या क्या अपवाद होते हैं। सबसे पहले देखो, विदेशी युद्ध पोतों और उनके दल, जो विदेशी युद्ध पोत होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे देखा जाए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत तो उन्मुक्ति, अभी समय 1946 संयुक्त के प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों के लिए प्रावधान करता है। वैसे सामान्यतः नियमानुसार देखें तो राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा बंदरगाहों जो है, समुद्र के जो बंदरगाह होते हैं, जैसे आप जानते हैं ना, जैसे बस पे जाते हैं तो बस अड्डा होता है, ट्रेन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन होता है, ऐसे जो है समुद्र के लिए जो जहाज होते हैं वहाँ पे जो है उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो बंदरगाहों पे जो है सैनिकों के लिए वो चीजें खुली होती हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, विदेशी प्रभुत्व संपन्न की संपत्ति, यहाँ पे हो जाएगा जब तक हित हो, मतलब कोई भी चीज ऐसी कोई भी संपत्ति है जब तक उससे हित होता है तब तक वह जो है राज्य की अधिकारिता से उन्मुक्त होता है। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट, विदेशी सशस्त्र सेना, आप लोग देखते होंगे कि या अपने देश वाले किसी दूसरे देश में जाते हैं, फिर दूसरे देश वाले अपने देश में आते हैं, तो वहाँ पे जो है युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे माला युद्धाभ्यास वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे जो है उसके लिए छूट होती है, वहाँ पे अपवाद ये नियम का होता है। अपने राज्य की सेवा के लिए जाना दूसरे देश में, तो यहाँ पे होता है। उसके बाद कुछ लोग इसे बाह्य राज्य क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, किसे, अपने राज्य की सेवा के लिए दूसरे देश में जाना, कुछ लोग इसे
वाह राजे छेत्री भी कहते हैं या फिर मानते हैं, और इसमें जो है यहाँ पर युद्ध अभ्यास वगैरह भी हो सकता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, उस समय ये स्थानीय सिविल या प्राधिकारियों द्वारा दंडित नहीं किए जाते थे, इन्हें केवल उच्च या फिर अधिकारी ही दंड दे सकते थे। जैसे यहाँ पर बात की जाए, देखो मान लो अपने देश का कोई एक सैनिक ग्रुप है पूरा गया किसी दूसरे में, मान लो रूस में गया, तो रूस में क्या होगा, वो रूस में जाकर रह रहे हैं या फिर वो रूस में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो वहाँ पे मान लो कोई गलती हो जा रही है या फिर कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे अगर सीमा की बात की जाए या फिर जो है इस नियम की बात की जाए, तो वहाँ पे जो है जब रूस की बाउंड्री के अंदर होंगे तो वहाँ पे नियम कानून तो रूस का लगेगा, तो वहाँ पे नियम कानून जो है जब यहाँ पे अपने सैनिक वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे नियम कानून रूस का ना लगकर जो है यहाँ के जो सैनिक के जो है वहाँ पे जो सैनिक का ग्रुप होगा, इनके जो मैन होंगे यहाँ पे जो इनके कमांडो होंगे या फिर जो है इनका उच्च अधिकारी होंगे, तो उनके रूल इनके ऊपर लागू होंगे ना कि उस देश के लागू होंगे, तो यह भी एक टाइप का अपवाद होता है। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा एम्बेसी। एम्बेसी आपको बताया ना, यहाँ पे एम्बेसी पर भी जो है आपके जो है नियम नहीं लगते हैं, किसी दूसरे में देश में आपके जानते हैं एम्बेसी बनी होती है, तो दूसरे राज्यों में स्थित दूतावास राज्य की अधिकारिता से उन्मुक्त होता है, जहाँ पर ग्राही राज्य के अभिकर्ता बिना दूतावास की प्रमुख के संपत्ति के विदेशी दूतावास में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेसी पर भी ये नियम लागू नहीं होता। अगला आपका पॉइंट विदेशी प्रभुत्व संपन्न। इसके बेसिकली दो आधार होते हैं, तो दो आधार में एक आपका महत्वपूर्ण है, जैसे सेकंड आधार में इसमें यह हुआ था, एक वाद हुआ था, लॉर्ड लाइट ने कहा था कि प्रभुत्व संपन्न को उन्मुक्तियों देना अंतरराष्ट्रीय विधि का एक सामान्य नियम होता है, मतलब उन्मुक्तियां जो है प्रभुत्व संपन्न वालों को उन्मुक्तियां देना अंतरराष्ट्रीय विधि का एक सामान्य नियम होता है, ऐसा विदेशी प्रभुत्व संपन्न में बताया गया था। ठीक है, ये आपका पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा चीजें जो है ज्यादा ना समझकर अच्छा समझा जाए तो बेहतर है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि भैया राजनयिक प्रतिनिधियाँ क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो राजनयिक प्रतिनिधियों में जो है आप देखा जाए तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में डिप्लोमेटिक एजेंट्स बोलते हैं, ये व्यक्ति होते हैं जो विदेशों में जाते हैं। ठीक है, और उन्हें मूल देश का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे अभी आप कॉलेज में होंगे तो कॉलेज में जैसे आप मान लो कंपटीशन होता है कहीं पे, तो अपने कॉलेज से आप जाते हैं एक टीम लेके, तो एक टीम लेके जाएंगे या फिर आप अकेले जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका नाम ना लेकर आपके कॉलेज के नाम से आपको जाना जाता है। ठीक है, कॉलेज की टीम आपको जाना जाता है, तो वहाँ पे आप क्या होंगे, कॉलेज के लिए एक जो है वहाँ पे जो है प्रतिनिधि होते ना, उसका जो है पूरा जो है कार्यभार जो कॉलेज की जो है इज्जत होता है ना, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। प्रतिनिधि मतलब आपको जो है अपने कॉलेज को जो है वहाँ पे पेश करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो ये व्यक्ति होते हैं ये जो है अपने देश के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, या फिर माने जाते हैं, ये राजनीतिक स्तर पर संबंध या मध्यस्थता के लिए होते हैं। ठीक है, ये जो है आप जानते हैं राजनीतिक स्तर पर जो है बहुत ज्यादा संबंध बनाने की कोशिश होती है या फिर जो है मध्यस्थता हुआ करती है। ठीक है, सन 1815 में वियना कन्वेंशन में प्रथम बार राजनयिक आपका जो है वियना कन्वेंशन जो 1915 में हुआ था प्रथम बार, उसमें क्या हुआ, अभिकारिता से संबंधित प्रसागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को स्पष्ट तथा संहिताबद्ध किया गया था। वियना कन्वेंशन आपको जो हुआ था कब, 1815 में जब हुआ था वियना कन्वेंशन, तो पहली बार, तो उसमें ये इसको संहिताबद्ध किया गया था। इस संबंध में लास्ट जो चरण हुआ, लास्ट स्टेप जो हुआ 1961 में पूरा किया गया था वियना कन्वेंशन को लेकर। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, भारतीय संसद ने वियना कन्वेंशन 1961 में पारित राजनयिक अभिकर्ताओं को उन्मुक्ति कर्तव्य तथा अधिकार संबंधी क्षेत्र को राजनयिक संबंध वियना कन्वेंशन अधिनियम 1972 के द्वारा प्रभावी स्वरूप दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला आपका पॉइंट है, कुछ मतलब इनको छूट भी होती है जो यहाँ पे आपके जो है राजनयिक होते हैं, राजनयिक प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं ना, इनको कुछ छूट होती है। इनको क्या क्या छूट होती है वो आप देखिए, इन्हें कुछ विशेषाधिकार और छूट होती हैं, तो इसमें छूट क्या क्या हो जाएंगी इनको जो है, और विशेषाधिकार क्या हो जाएंगे इनको, कुछ उन्मुक्ति होते हैं, जैसे ये दो सिद्धांत फॉलो करते हैं, नंबर एक पे अपरदेशता का सिद्धांत और नंबर दूसरे पे कार्यहित का सिद्धांत। तो अपरदेशता का सिद्धांत ये होता है, जैसे सिंपल सा चीज है कि मान लो हम यहाँ से जाएं किसी के घर पर रुकें और वहाँ पर घर पर रुकें और वहाँ पर आपके घर पर मान लो हम रुक रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नियम लगे कि हम आपके घर पर तो जरूर रुक रहे हैं लेकिन नियम जो हमारे पर लगे, हमारे को जो चीज़ें मिले वो हमको अपने अकॉर्डिंग मिले, मतलब अपने घर के तरह से मिले। अभी आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं तो आपको शायद समझ में
बेहतर आवे। ठीक है, मान लो ये आपका देश इंडिया है, ये आपका मान लो अमेरिका है। तो ये एक व्यक्ति यहाँ पे गया रुकने, ये यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन इसको क्या माना जाता है? इसको ये माना जाता है, इसको सिंपल सा ये मान ही लिया जाता है कि भैया ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे रुके पड़े हैं। इसको सिंपल सा ये माना जाता है, आपको अभी बताते हैं कि इसको कहा जाता है कि ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जो अमेरिका में रुका पड़ा है, या जो है इस अमेरिका में रुका ही नहीं है, या जो है अपने देश में रुका हुआ है। तो जब ऐसा माना जाता है राजनयिक संबंध में, तो जब यह अपने देश में इंडिया में मान लो रुका हुआ है, तो भैया इस पे अमेरिका के नियम कानून क्यों लगेंगे? नहीं लगते हैं, तो इस पे नियम कानून अमेरिका के, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको अपरदेशता का सिद्धांत बोला जाता है। और कार्यहित का सिद्धांत ये वो कहता है कि कार्यहित का सिद्धांत में ये कि विशिष्ट कार्यों के लिए जो नियुक्ति किया जाता है उसके लिए नियम कानून में कुछ छूट दी जाती है, उसे कार्यहित का सिद्धांत कहता है। जैसे जासूस वगैरह की बात की जाए, तो अगर जो दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पे जो है कुछ जासूसी करके या फिर वहाँ पे अच्छा कोई जो है निर्णय, या फिर वहाँ पे देखा जाए, आपने जो है बहुत सी मूवी देखी होंगी कि जहाँ पे जासूस जाते हैं ना, वहाँ पे अपना वो काम पूरा करके वापस लौट आते हैं, और उनको उस देश वाले को पता चलता है कि हाँ ये जो है उसने करवाया है। तो वो जो नियम लगते हैं या फिर जो उस अपराध लगता है, वो चीज़ें जो है उस जासूस वगैरह पे ना लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है चीज़ें को उनको छूट मिली होती है, वो अपना जो है इंडिया वाले एम्बेसी वाले संभाल लेते हैं, वो चीज़ें क्या गलत हुई क्या सही हुई वो सब चीज़ें देश वाले संभाल लेते हैं, ना कि उस व्यक्ति पे जो है सीधा आरोप लगाया जाता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे आपको व्यक्तिगत उसमें सुरक्षा दी जाती है, आपराधिक क्षेत्राधिकार से अनुमति दी जाती है, करों में छूट दी जा सकती है, आपको माल के अभिग्रहण में छूट होती है, आपको उपासना में छूट होती है, और आपका यातायात की स्वतंत्रता होती है, शरण की स्वीकृत होती है, जैसे आप जो है निवास के लिए जो है कहीं पर भी शरण ले सकते हैं, और अपना जो है दीवानी क्षेत्राधिकार में भी यहाँ पे इनको छूट दी जाती है। ये छूट आपको किसको दी जाती है ये भी तो जानिए, ये छूट आपको जो है राजनयिक प्रतिनिधियों को दी जाती है। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे राजनयिक प्रतिनिधियों का वाला समाप्त हुआ, अगला आपका जो यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होगा वो आपका पॉइंट यहाँ पे आश्रय का स्टार्ट होगा। आश्रय आपका क्या होता है? आपका ये हम अभी बता रहे हैं, आश्रय आपका जो होता है सिंपल सा ये चीजें होती हैं, शरण या फिर जो है सुरक्षा के लिए दी जाती हैं। तो यह सुरक्षा और शरण के लिए यह नियम होता है, आप लोग जानते हैं, जो एक राज्य जो है देता है किसी अन्य दूसरे राज्य के राजनीतिक शरणार्थियों के प्रार्थना करने पर दिया जाता है। ठीक है, आश्रय जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक शरण के लिए आश्रय दिया जाता है और एक जो है सक्रिय सुरक्षा के लिए आश्रय दिया जाता है। तो शरण के लिए जो आश्रय आपका दिया जाता है ये आपको जो है अस्थायी सहारे से होती है, और जो आपका सुरक्षा के लिए जो आश्रय दिया जाता है इसका आपका जो है अधिकारियों द्वारा जिनके क्षेत्र में आश्रय दिया जाता है उसके बात की जाती है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आश्रय का अधिकार। तो आश्रय का अधिकार क्या होता है? जो मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1949 में अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देश में जो है आश्रय मांगने का या फिर अधिकार होता है। जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे पुराने वाले अगर सीरियल देखते हैं, जो हिस्ट्री वाले सीरियल देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर जो महाराणा प्रताप की बात की जाए तो वहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों को आश्रय दिया था, या फिर अदर देश राजाओं की बात की जाए तो वो दूसरे राजाओं को आश्रय देते थे, उसी तरह से ये है। तो यहाँ पे अगर जो आप आश्रय मांगते हैं तो वहाँ पे आश्रय मिलने का आपको अधिकार होता है। अगली आपकी चीज यहाँ पे हो जाएगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि जब तक कि उसे आश्रय मांगने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, मांगने की आवश्यकता तो हो। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, इसी विषय में राज्यों का कोई सामान्य उत्तराधिकार या फिर उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, प्रोफेसर ओपेम आपका जो है ओपेमहाइम के अनुसार क्या है कि वास्तव में आश्रय का जो है अधिकार है कुछ और कुछ नहीं है बल्कि प्रत्येक राज्य की क्षमता पे डिपेंड करता है। तो अगर जो उस राज्य की क्षमता होगी तभी तो वह आश्रय देगा, अगर जो क्षमता नहीं होगी तो वह राज्य आश्रय कैसे देगा? नहीं दे सकता। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, जिसके अनुसार जो आपके हायम हैं वो क्या कहते हैं, ओपेमहाइम जो आपके प्रोफेसर हैं, विधिवक्ता हैं, विधिशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं, वह पीड़ित विदेशी व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में आने दे तथा उन्हें आश्रय प्रदान करे। तथा कहीं तो जो है आप लोग जो है जैसे कहा जाता है कि आश्रय को अधिकार विदेशी व्यक्ति का अधिकार नहीं है,
कि जिस प्रदेश या राज्य में उसने प्रवेश किया है वहां उसे संरक्षण और आश्रय प्रदान किया जाए, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा राज्य उसकी मांग को स्वीकार कर ले। ठीक है, यह चीजें वहां पे आवश्यकता या फिर आवश्यक नहीं होती। अगला आपका पॉइंट है, कुछ देशों के सिद्धांत ने व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक होने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान किया, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यह अधिकार अंतरराष्ट्रीय विधि का भाग तथा सब राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि का सामान्य सिद्धांत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि वो लोग जो है सबको आश्रय प्रदान कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, अतः वर्तमान में आश्रय प्राप्त करने का अधिकार कदाचित राज्यों में कि या उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि वह उत्पीड़ित विदेशी व्यक्ति को जो है वहां पर रहने देता है या फिर नहीं रहने देता है, प्रवेश करने देता है या फिर प्रवेश नहीं करने देता है, उसका संरक्षण करने में समर्थ होगा या फिर समर्थ नहीं होगा। उत्पीड़ित व्यक्ति ऐसे राज्य में अवभगत पाता है, परंतु ऐसा भी आवश्यक हो सकता है कि उसे प्रवेश की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाए। ऐसा नहीं कि आप जो है डायरेक्टली सभी व्यक्ति को अपने देश में आश्रय के लिए बुला लेंगे, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है कुछ शर्तों के साथ अपने देश में बुलाया जाए, उस पर जो है नजर रखी जाए। ठीक है, तथा यदि आवश्यक हो तो उसे किसी स्थान पर नजरबंद रखा भी जा सकता है, ऐसी वहां पर शर्तें हो सकती हैं। यह स्थिति इस सिद्धांत का जो है ऐसी जो है वहां पर आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, नजरबंद वाली बात की जाए या फिर जो है उस पर जो है किसी का ध्यान रखने की बात की जाए या फिर उसको जेल में की बात की जाए फिर कुछ भी बात की जाए, तो ये सब कंडीशन जो उसके ऊपर शर्तें जो माननी पड़ेंगी वो कुछ ना कुछ परिणाम स्वरूप होती हैं, कुछ ना कुछ वो डिपेंड करता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा कुछ भी ना करने दे जिससे दूसरे राज्य के जो है व्यक्ति को सुरक्षा हो। ये चीज वहां पे सुरक्षा के मामले में देखा जाता है। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, आश्रय के प्रकार क्या होते हैं। आश्रय के प्रकार आपके प्रादेशिक आश्रय होता है और बाह्य प्रादेशिक आश्रय होता है। तो यहाँ पे दो आपके आश्रय के जो है प्रकार होते हैं, यहाँ पे आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आश्रय के कितने प्रकार होते हैं। प्रादेशिक आश्रय होता है आपका, बाह्य प्रादेशिक आश्रय होता है। प्रादेशिक आपका आश्रय क्या होता है इसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रादेशिक आश्रय में बात की जाए तो जब कोई राज्य किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अपने क्षेत्र के भीतर आश्रय देता है। ठीक है, अपने क्षेत्र मतलब जो है अपने जो है देश के अंदर या ठीक है और जो है अपने राज्य के अंदर या फिर अपने सीमा के अंदर जो है उसको आश्रय देता है तो उसे प्रादेशिक आश्रय कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चीजें हो जाएंगी, जैसे बहुत प्राचीन समय से यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य प्रादेशिक आश्रय देने के मामले में स्वतंत्र होता है, वह चाहे तो अपने देश के अंदर आश्रय देता है, इसकी बात की उसको स्वतंत्रता होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे, तथा यह आश्रय अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक सामाजिक धार्मिक शरणार्थियों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, परंतु इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है और मतभेद यहाँ पे भी मिलता है कि कोई राज्य पकड़े हुए युद्ध बंदियों को जो अपने राज्य में वापस नहीं जाना चाहते आश्रय दे सकता है अथवा नहीं, इस चीज का यहाँ पे कोई चीज क्लियर नहीं है। अगला आपका पॉइंट, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया था कि किसी पीड़ित व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय विधि यह अधिकार नहीं प्रदान करता कि जब वह आश्रय मांगे तो उसे अवश्य आश्रय मिल जाए या फिर उसे अवश्य आश्रय उसको दिया ही जाए। इस विषय पर राष्ट्रों का कोई सामान्य उत्तरदायित्व तो नहीं है, परंतु इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो आपका हुआ था 14 दिसंबर 1967 को अपने प्रस्ताव में कहा था कि अभ्यास में राज्यों को निम्नलिखित बातें माननी होंगी। कोई व्यक्ति आश्रय जब मांगे तो उसे जो है अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया था। तो आप चाहें तो आप किसी दूसरे देश में आश्रय मांग सकते हैं, अथवा जब वह आश्रय देने वाले राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसे निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उस पर कुछ चीजें अप्लाई हो जाती हैं, उसके आधार पर कुछ चीजें होती हैं। जैसे आपका क्या क्या हो जाएंगी वहां पर, जनता की सुरक्षा के आधार पर जो है क्या होता है या फिर बड़ी संख्या में लोग आश्रय की प्रार्थना करें तो आश्रय की प्रार्थना अस्वीकार भी किया जा सकता है। अगर जो आप जो है बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा संख्या में कहीं पर जो है जाने की कोशिश करेंगे और छोटा सा मान लो देश या फिर उसकी इतनी किसी देश की क्षमता नहीं है कि इतने लोगों को आश्रय दे तो अब जो है आश्रय के लिए वह मना कर सकता है। ठीक है, वह आश्रय नहीं दे ऐसा वो कर सकता है। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा, यदि कोई राज्य आश्रय देने की कठिनाई महसूस करता है तो व्यक्तिगत या फिर जो है राज्य या संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विचार अंतरराष्ट्रीय एकता के भाव से उचित उपाय पर विचार करें। और अगला पॉइंट यहाँ पे, जब कोई राज्य पीड़ित व्यक्तियों को आश्रय दे दे तो अन्य राष्ट्र को उनका सम्मान करना चाहिए। अगला आपका पॉइंट,
राज्य आपका जो है अन्य राज्यों के व्यक्तियों को आश्रय देने में स्वतंत्र है, परंतु इस स्वतंत्रता का संधि द्वारा नियंत्रित तथा सीमित किया जा सकता है। कोई भी राज्य जो है दूसरे राज्य के निवासी को जो है आश्रय दे सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है जिसे जो है एक जो है संधि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा कि ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है आपका आश्रय था। और अब हम बात करेंगे आपका प्रादेशिक आश्रय के उदाहरण की बात करेंगे। तो उदाहरण की बात की सिंपल की जाए तो यहाँ पे जो है दलाई लामा तथा उनके अनुयायियों का जो है अपहरण था, ठीक है। तो उदाहरण की इतना कोई चर्चा जरूरी नहीं है और यह आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट बाह्य क्षेत्रों का आश्रय, बाह्य प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है। तो बाह्य प्रादेशिक क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा कि बाह्य प्रादेशिक क्षेत्र आश्रय उस आश्रय को कहते हैं जो कि राज्य अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान करता है। मतलब आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों से बाहर प्रादेशिक आश्रय प्रदान करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका आधुनिक जो है मतलब जो है यहाँ पे मॉडर्न इंटरनेशनल विधि जो होती है वह जो बाह्य प्रादेशिक जो है आपका आश्रय प्रदान करने की मान्यता नहीं देती है। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगला आपको पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा बाह्य प्रादेशिक आश्रय केवल अपवाद के रूप में था या फिर विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। बाह्य प्रादेशिक अधिकार वो आश्रय को निम्नलिखित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे विदेशी दूतावास में आश्रय आपको जो है दिलाया जा सकता है। इसमें क्या हो जाएगा किसी दूतावास के प्रधान द्वारा आश्रय देने के समान समान अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय विधि मान्यता प्रदान नहीं करती। इसका स्पष्टीकरण यह है कि इससे संबंधित राज्य उसकी परमिशन पर डिपेंड करता है कि वह आश्रय देता है या आश्रय नहीं देता है, ठीक है। अगला पॉइंट वाणिज्यिक आपका जो है दूतावास आश्रय हो जाएगा। वाणिज्य दूतावास के संबंध में भी उपयुक्त सिद्धांत लागू होते हैं जो आपके जो है उस पर डिपेंड करते हैं। जो पहले वाले सिद्धांत में जैसे उसके जो है वाणिज्य में बात की जाए, फिर जो है आपका एम्बेसी की बात की जाए, तो वहाँ पर भी जो उसके जो है एम्बेसी का जो है जिस राज्य की एम्बेसी होती है उसके ऊपर जो है अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वह भैया आपको जो है आश्रय देता है या नहीं देता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय में आश्रय, तो ये भी आपके डिपेंडेंसी पे जो है निर्धारित करेगा। और आपका जो है आधुनिक जो है मॉडर्न जो आपकी इंटरनेशनल विधि जो है ये इसकी मान्यता नहीं देती इसमें। लेकिन स्टार्क ने एक चीज कहा, स्टार्क ने क्या कहा, जैसे स्टार्क ने कहा था कि भीड़ से खतरा उत्पन्न होने की दशा में यह संस्थाएं भी आश्रय प्रदान कर सकती हैं। हाँ, अगर जो कंडीशन है कि जैसे भीड़ से उत्पन्न आपकी दशा है या खतरा है तो यहाँ पे आश्रय प्रदान कर सकती हैं। अगर तो कोरोना टाइम में बात की जाए तो यहाँ पे कोरोना टाइम में आश्रय दिया जा सकता है क्योंकि भीड़ से दिक्कतें मतलब जो है यहाँ पे संख्या जब बढ़ जाती है तो आश्रय देने में कहीं ना कहीं पे मजबूरी आ जाती है किसी देश की या फिर किसी आपके जो है कार्यालय की, तो वहाँ पे आश्रय आपको दिया जा सकता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा युद्धपोतों में आश्रय। युद्धपोतों में आश्रय आपका क्या हो जाएगा, कुछ लेखकों का मत है कि जो व्यक्ति होते हैं जो न्यायिक नहीं है तथा स्थल के अपराध करने के पश्चात किसी युद्धपोतों में आश्रय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ चीजें बोली गई, फेनविक ने लिखा था, फेनविक ने क्या लिखा, फेनविक ने लिखा कि जबकि साधारण अपराधियों को आश्रय नहीं दिया जाता है, बहुधा राजनीतिक शरणार्थियों को अब भी आश्रय दिया जाता है। कहाँ पे, युद्धपोतों में आश्रय दिया जाता है। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा व्यापारिक जहाजों पर आश्रय दिया जा सकता है, ठीक है। ये आपको बाहर है तो मतलब आपकी सीमा के बाहर ही आश्रय दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है व्यापारिक जहाजों को स्थानीय क्षेत्र अधिकार से अनुमति प्राप्त नहीं होती है, अतः उन्हें स्थानीय आश्रय का अधिकार नहीं होता। यहाँ पर बात की जाए जैसे आपकी जो है अपने देश की बात की जाए या फिर किसी दूसरे के देश की बात की जाए, तो उसको अगर जो व्यापारिक जहाजों पर जो है आश्रय दिया जाता है तो वहाँ पे जो है जो उस पर नियम कानून लगेगा वो उसी देश का जो है नियम कानून लगेगा जिस देश का उसको वह जहाज होगा, ठीक है, वहाँ पे आश्रय दिया जा सकता है। इसमें जो है अगर जो चाहे तो जहाज वाले जो है उस पर निगरानी रख सकते हैं या फिर जो है उसको जो है नजरबंद भी किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे आश्रय की बात की जाए तो आश्रय आपका यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है, या आपकी एक आश्रय जो है आधी यूनिट थी ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के निपटारे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो विवाद होते हैं उसके निपटावा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैसे कोई भी विवाद होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, तो वह दो पहलू में से बात की जाए तो एक पहलू यह होता है कि शांतिपूर्वक ढंग से उसका निपटारा हो जाए, और दूसरा पहलू यह होता है कि भैया बलपूर्वक तरीके से उसका निपटारा हो, मतलब थाना पुलिस होकर उसका निपटारा हो। तो इसमें जो है दो पहलुओं की हम दोनों पे बात करेंगे और दोनों पहलुओं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू होने वाले हैं। तो पहले पहलू में बात करते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। तो शांतिपूर्वक ढंग में अगर बात करेंगे तो उसमें विवाचन, न्यायिक समझौता, वार्ता, सद्भावना, मध्यस्थता या फिर समाधान संयुक्त
राष्ट्र के तत्वाधान में निस्तारण या फिर जांच द्वारा आता है। और अगर जो बलपूर्वक की बात की जाए तो इसमें आपका जो है प्रतिकार, प्रतिरोध और अधिरोध या शांतिपूर्ण अवरोध या फिर हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत निस्तारण, ये सब चीजें आपकी आती हैं। तो ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर जो और बात की जाए तो यह जो है राष्ट्रों के लिए जो है काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि जब दो देशों के बीच में जो है झगड़े होते हैं या फिर विवाद हो जाते हैं तो उसके लिए ये चीजें अपनाई जाती हैं। तो वहाँ पे अगला आपका यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा वो चीज़ें आपकी, ये तो हो गई है एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक अंतर जो है बलपूर्वक ढंग से। तो ये आपका विवाचन वगैरह, ये न्यायिक वार्ता जो है, न्यायिक समझौता क्या होता है, ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं विवाचन वगैरह की, अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विधि का उद्देश्य यह है कि सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवादों के निस्तारण के माध्यम से तथा या फिर उनकी विधियों का विकास करें। तो निस्तारण का जो उनका निस्तारण हो, उनकी विधियों का विकास करें। अगर जो विकास अगर जो नहीं होगा तो वहाँ पर चीज़ें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। इस संबंध में क्या बताया गया, इस नियम में यह बताया गया कि जो आपका पहला नियम हो जाएगा, ठीक है, पहला नियम की बात की जाए तो पहले नियम ऐसे हो सकते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटारा संभव हो सके, ठीक है। लेकिन शांतिपूर्ण निपटारा अगर जो आपका ढंग से नहीं हो पा रहा है तो जो है आपको बलपूर्वक का यूज किया जा सकता है। इसमें अगला अगर जो पॉइंट देखें तो इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के आपके नियम जो है असंगत हो जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रथा के रूप में या फिर असंत हो सकते हैं, वहाँ पे विधि के रूप में और निर्माण करवाने के संधियों के उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। अगला आपके यहाँ पे बात की जाए तो जो है कुछ यहाँ पे संधियाँ हुई, कुछ सम्मेलन हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ इस संबंध में 1998 में और 1907 में जो है दो चीज़ें संपन्न हुई, वो जो है दो सम्मेलन संपन्न हुए, जिस 1899 में आपका जो है हेग सम्मेलन संपन्न हुआ और आपका 1907 में आपका लीग ऑफ नेशन वाला जो है ये चीज़ें संपन्न हुई, ठीक है। इसके अब जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को लेख भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट जो हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है विवाद दो संप्रभु राष्ट्रों के मध्य मतभेद या असहमति को कहते हैं। जैसे आप लोगों हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद हो जाता है, ठीक है, तो वह एक विवाद का रूप भी ले सकता है या फिर असहमति हो सकती है तो वह भी एक विवाद का रूप ले सकता है। एक राष्ट्र के नागरिक का दूसरे राष्ट्र के नागरिक का कोई मतभेद नहीं होता। जैसे हमारा देश के, जैसे हम अपने देश के नागरिक हैं, ऐसे जो है पाकिस्तान वाले अपने देश के नागरिक हैं, तो नागरिकों के बीच में मतभेद नहीं हो सकता, इसके लिए आप जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं कहा जाता है, ठीक है, और इसके लिए आप जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, जैसे आपको बताया ना कि शांतिपूर्ण में आपका विवाचन वगैरह आएगा, ठीक है, वार्ता आएगा, सद्भावना आएगा, तो आपका विवाचन क्या होता है, विवाचन आपका होता है, विवाचन से तात्पर्य यह है सिंपल सा चीज जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विवाद कई व्यक्तियों को संदर्भित किया जाता है, जिन्हें विवाचक या फिर मतलब जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उनको संदर्भित किया जाता है, जिसे निर्वाचक या फिर विवाचक कहते हैं, उनके निर्णयों को पंचाट कहते हैं। पंचाट किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपके विवाद जो होते हैं उनमें जो व्यक्तियों होते हैं उनको संदर्भित किया जाता है, ठीक है, तथा ये जो संदर्भित व्यक्ति जो होते हैं इन्हें निर्वाचक या फिर विवाचक कहते हैं, और इनके जो निर्णय होते हैं इनको पंचाट कहा जाता है। इन निर्वाचकों या फिर जो है आपका जो है विवाचकों का जो चुनाव विवाद के पक्षकारों से के द्वारा किया जाता है, यद्यपि इन विवाचकों का चुनाव के पक्षकार राष्ट्रीय को सहमत से किया जाता है, फिर भी उनका निर्णय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। अगला आपका पॉइंट 1899 हेग में क्या हुआ, हेग में आपका एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया कि आर्टिकल आपका जो 15 था उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवाचनों का उद्देश्य राज्य के मध्य विवादों को निस्तारण अपनी पसंद के निर्णायकों द्वारा कराना चाहिए, उसका आधार जो है विधि के प्रति राष्ट्रों के सम्मान में है, ठीक है, यह चीजें वहां पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा विवाचन का स्थायी न्यायालय। तो विवाचन का स्थायी न्यायालय आपका क्या हो जाएगा, इसके प्रमुखता तीन अंग होते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा कि आपका विशेषज्ञों की सूची, प्रशासनिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, ये इसके तीन अंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला विवाचन के स्थायी न्यायालय जो है 1899 में हेग के कन्वेंशन में द्वारा हुई थी, और सन 1907 में जो हेग कन्वेंशन में यह पूर्ण हो गया था, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा विवाचन के स्थायी न्यायालय, आपको बताया ना 1899 के हेग कन्वेंशन के द्वारा हुई थी और इसे 1907 में पूरा किया गया था। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता जो है जहाँ पे जो साइन किए थे अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो है वहाँ पे विद्वान वगैरह थे, नैतिकता से ख्याति से उच्च जो है ख्याति प्राप्त वाले व्यक्ति थे वहाँ पे,
चार व्यक्तियों को चुनाव कर सकता है जिनका उल्लेख विशेषज्ञों की सूची में किया जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि विभाजन जो न्यायालय का गठन कर सकता है जिसे हेग में स्थित होना चाहिए था। आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, अंतर्राष्ट्रीय आपका कोर्ट जो है, उसको हेग में बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे प्रशासनिक परिषद का गठन जो है हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो महासचिव तथा उनके कर्मचारियों द्वारा निर्मित होनी थी, लेकिन इसका स्थान जो है कहाँ पे, हेग में बताया गया था। ठीक है, अगली आपकी यहाँ पे चीज हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है, ये आपका निर्वाचन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वार्ता की, निगोशिएशन की। निगोशिएशन में आपका सिंपल सा चीज़ ये हो जाएंगी कि निगोशिएशन आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा जो है आपका निगोशिएशन कराता है। जैसे हम और आप जो है कोई बीच विवाद हो गया तो आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, तो उसको जो है निगोशिएशन कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट सद्भावना। सद्भावना क्या होता है, जैसे जब हम और आप लड़ाई कर लें उसके बीच में तीसरा कोई व्यक्ति आकर जो है उसका समझौता कर देता है। ठीक है, तो उसको जो है सद्भावना कहा जाता है, उस व्यक्ति के लिए वो सद्भावना करता है, उसमें वह निर्णय तो अपना देता है। मतलब तीसरा व्यक्ति वहाँ पे आकर जो है अपना बताता है कि भैया तुम ऐसे काम कर लो, तुम ऐसे काम कर लो। ठीक है, वो निर्णय देता है, लेकिन मानना और ना मानना वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसको वह सद्भावना हो जाएगा। मध्यस्थता ये हो जाता है, मध्यस्थता में सिंपल सा चीज ये होता है, दो व्यक्ति जो दो देश से आपस में लड़ाई करते हैं तो तीसरा देश क्या होता है, लड़ाई करने का सिंपल सा मतलब यह है कि मतभेद हो जाता है या फिर उनका जो विवाद होता है, तो लड़ाई करने का मतलब यह है, आपको समझाने की कोशिश करें ना, तो दो देशों अगर जो आपस में जो है समझौता ये लड़ाई हो जाती है, तो क्या तीसरा देश आता है और कुछ मध्यस्थता करके मतलब जो है मीडिएशन करता है, तो वो जो है कुछ निर्णय निकालता है, और वो जो निर्णय निकालता है तो वो निर्णय जो है दोनों देशों के लिए बाध्यकारी होता है। ये चीजें मध्यस्थता में होती हैं। अगला आपका पॉइंट समाधान। समाधान क्या होता है, राष्ट्रीय व्यक्ति विवाद को निपटाने के विभिन्न शांतिपूर्ण माध्यम होते हैं, तो जिसमें से एक समाधान भी एक होता है। ठीक है, समाधान आप लोग जानते हैं कि शांतिपूर्ण निपटाने का एक तरीका होता है, और इसमें जो है ये प्रस्ताव विवाह के, यह प्रस्ताव जो है विवाद के प्रतिकारों पर बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर जो वो चाहे तो वो जो है माने वो प्रस्ताव या ना माने, ये जो है पक्षकारों पे डिपेंड करता है। सन 1899 और 1907 में हेग कन्वेंशन ने समाधान आयोग के गठन के लिए प्रावधान किया था। ठीक है, और उसके आगे अगर बात करते हैं तो इसी में जो है आपका शांतिपूर्ण ढंग से विवाद निपटाने की सीरीज में, तो जांच भी आपका एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो अगर जो किसी भी बात के लिए अगर जो हम लोग जांच कर लेते हैं या फिर उसको वेरीफाई करवा लेते हैं, तो वहाँ पे विवाद निपटने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये चीज़ जो है दोनों पक्षकारों को माननी होती है। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निस्तारण। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सा चीज़ ये होता है कि राष्ट्रीय घोषणा या अनुच्छेद 2 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें बात की जाए तो यहाँ पे जो है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव और संतुष्टि जो है प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार इस घोषणा को शासंत और हेतु सुरक्षा परिषद को अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने वाला केस आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगर जो बात की जाए तो बलपूर्वक आप कैसे जो है किसी विवाद को निपटा सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। जो है बलपूर्वक जो है किसी विवाद को कैसे निपटा सकते हैं, इसके लिए भी कुछ हेडिंग दी गई, जैसे आपका प्रतिकार, प्रतिशोध, आपका अतिरोध या फिर शांतिपूर्ण अवरोध होता है, हस्तक्षेप होता है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत निस्तारण होता है, ये अभी आपको चीजें हमने बताई थी। तो इसमें प्रतिकार क्या होता है, प्रतिकार आपको जो है देखते हैं, प्रतिकार का अर्थ सिंपल सा ये होता है कि बदले की भावना। भैया क्या होता है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि मूवी जो अपने यहाँ हिंदी की मूवी होते हैं सिंपल सा चीजें, तो वो क्या कहते हैं, 10 साल पहले उनकी कोई लड़ाई होती है, वो उनके पिताजी को मार देते हैं, वो कुछ कर देते हैं, तो भैया उनके अंदर जो है एक ललक जो है घुस जाती है, भैया नहीं हमको इनको मारना ही है, तो वही प्रतिकार मतलब बदले की भावना हो जाती है। ठीक है, उससे भावना से जो है कार्य किया जाता है उसको प्रतिकार कहा जाता है। जब एक राज्य जो है दूसरे राज्य के साथ जो है मित्रतापूर्वक रूप से व्यवहार नहीं करता है, तब अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रभावित राष्ट्र को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने की अनुमति देती है। प्रतिकार की कार्रवाई के अंतर्गत राजनीतिक संबंधों का विच्छेद किया जाता है। ठीक है, राजनयिकों के विशेषाधिकार को वापस ले लिया जाता है तथा उस राष्ट्र के प्रदान किया जाता है जो आर्थिक या फिर जो है आपका यहाँ पे बात की जाए तो आर्थिक सुविधाओं का वापस भी ले लिया जाता है। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। प्रतिशोध आपका क्या हो जाता है, भैया किसी से जब बदला लेने की आग में जलना वो प्रतिशोध हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने को एक अन्य बाध्यकारी तरीका प्रतिशोध है।
स्टार्क ने क्या कहा है, स्टार्क आप लोग जानते हैं कि विधिवक्ता हैं, विधि शास्त्री बहुत अच्छे जो है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में उल्लेख किया है। किसी राशि के अनुचित तथा अवैध कार्यों के उत्पन्न किसी विवादों को सुलझाने के लिए निस्तारण करने हेतु अन्य राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए उत्पीड़न की कार्रवाई को प्रतिशोध कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राष्ट्र प्रतिशोध के अंतर्गत ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा खतरे में पड़े। ठीक है, आप भैया प्रतिशोध लीजिए, उनसे जो है बदला लीजिए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा खतरे में पड़े। ऐसा ना हो कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है खतरा डाल दें, पता लगे आप जो है विश्व युद्ध 3 करवा दें, ऐसा आप कोई काम नहीं कर सकते। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, प्रतिकार तथा प्रतिशोध में अंतर क्या होता है। आप लोग जान गए होंगे प्रतिकार और प्रतिशोध में अंतर क्या होता है। प्रतिकार ये होता है कि जैसे आपने गलत काम किया है, ठीक है, तो गलत काम जैसे किया तो जो सामने वाला है वो आपके साथ गलत काम करने के लिए जो है क्या करेगा कि एक बदले की भावना होगी, ठीक है, तो वहाँ पे प्रतिकार हो जाएगा। और प्रतिशोध क्या हो जाएगा कि भैया आपको जो है बदले के, जैसे आपने गलत काम किया तो सामने वाला क्या होगा कि आपसे बदले में जो है मतलब आपके साथ जो बदला लेने के लिए कोई कार्य करेगा ना, उसको प्रतिकार कहते हैं, और वो बदला ले लेता है, बदला करने को कर लेता है, तो वहाँ पे प्रतिशोध कहा जाता है। अगला चीज आपकी यहाँ पे हो जाएंगी कि अधिरोध क्या होता है। अधिरोध आपका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बलपूर्वक निपटाने का यह भी एक तरीका होता है, यह एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिशोध होता है। अधिरोध का तात्पर्य सिंपल सा ये होता है कि यदि एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि को उल्लंघन करता है या कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराध करता है, तब प्रभावित राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह उसकी सीमा में स्थित अपराधी राष्ट्र को परिवहन जहाज में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इसे व्यापार प्रतिवेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका पॉइंट, शांतिपूर्ण अवरोध नाकाबंदी। इस आशय की आप जो है नाकाबंदी हो जाएगा, इसमें राज्य के बंदरगाह में प्रवेश तथा निवास पर जो है नाकाबंदी कर दी जाती है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे हस्तक्षेप। हस्तक्षेप आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हस्तक्षेप आपका ये हो जाएगा, सिंपल सा चीज, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का यह एक उपाय सिद्धांत प्रतिबंधित है, ठीक है, और परंतु कुछ जो है अपदिष्ट मामलों में इसकी अनुमति है। जो है हस्तक्षेप आपको जो है अनुमति जो है नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मामलों में हो जाती है। ओपेनहाइम जो है हस्तक्षेप को लेकर क्या कहते हैं, ओपेनहाइम कहते हैं कि हस्तक्षेप की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हस्तक्षेप एक राष्ट्रीय द्वारा दूसरे राष्ट्र को के कार्यों में तानाशाही हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य जिस राष्ट्र के साथ हस्तक्षेप किया जाता है उसके उसमें यथा स्थिति बनाए रखना या फिर यथा स्थिति में परिवर्तित करना होता है। सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि हस्तक्षेप पर रोकी जा सकती है, परंतु जैसा कि केल्सन ने कहा था कि हस्तक्षेप एक प्रत्येक परिस्थितियों में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यहीं पे केल्सन ने क्या कहा, केल्सन ने कहते हैं कि यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो इसका उल्लंघन करना कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि में हस्तक्षेप अनुमति देता है। ठीक है, और हस्तक्षेप राजनयिक भी या फिर सैनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, और एक धमकी भरे स्वर में राजनयिक सूचना जिसमें सैनिक कार्रवाई या अन्य उत्पीड़नजनक जो है उपाय करने का अनुमान हस्तक्षेप हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के दो धारा दो के साथ है, जो उसका जो पत्र है उसके आर्टिकल के दूसरे के साथ पॉइंट में बोला गया है कि अंतर्गत उल्लेखित हस्तक्षेप ना करने का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए है, ना कि राज्यों के लिए। अगला का पॉइंट, किसी एक राज्य को दूसरे राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप निम्न आधारों के पर उचित है, जैसे आत्म सुरक्षा, मानवीय अधिकार, आपका संधि के अंतर्गत अधिकारों को प्रवर्तित करने में, और आपके ये पॉइंट यहाँ पे शक्ति संतुलन, सामूहिक हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाए रखने के लिए उद्देश्य, या फिर आपका गृह युद्ध भी हो सकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विवादों में निपटाना। ठीक है, निपटारा हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र चार्टर अपने अध्याय जो है वहाँ पे सात अध्याय सात में क्या बोलता है कि जो है कि अंतर्गत विवादों को निपटाने के लिए बाध्यकारी तरीकों उपायों का उल्लेख करता है, जिसका शीर्षक है शांति भंग या की धमकी। शांति भंग तथा आक्रमण में संबंधित हस्तक्षेप, इसके अंतर्गत दो मुख्य बातें बताई गई हैं, जैसे सामूहिक हस्तक्षेप या परिवर्तन के लिए कार्य, और दूसरा व्यक्तिगत या समूह द्वारा हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो है तीसरा पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों ने देखा कि आपका जो यहाँ पे तीसरा जो है आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस
जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर जो आप तीनों पार्ट देखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप जो है तीनों पार्ट देख के जो है अपना जो है पूरा सिलेबस को समाप्त कीजिए। ठीक है, और आपके पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर जो आपको पहले से चीज़ें समझ में थ्योरी पार्ट समझ में आया हुआ होता है तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करके जो है वहाँ पे जो है अपने जो है डिटेल पीडीएफ की ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।